जय हिंद जय भारत आप पूरा गोल शवाल है। फरिश्ते वैसे तो देखे नहीं होंगे किसी ने, लेकिन विधायक जो निर्दलीय महम से बलराज कुंडू हैं, उनकी शक्ल में फरिश्ते से शायद मैं कम नहीं कहूंगा, क्योंकि नेता होते हैं वो वायदा करके भूल जाते हैं और इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है, विधायक बलराज कुंडू ऐसे नेता हमने भी पहली बार देखे हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता करते हुए बहुत सारे नेता देखे हैं, वायदे करते भूल जाते हैं। लेकिन ये इनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, चुनाव यहाँ से नहीं लड़ रहा, उसके बावजूद भी अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अजय के परिवार की। अजय मोर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस किसान आंदोलन में सबसे पहले जिनकी शहादत कह सकते हैं, जो वहां पे धरने पे एक्सपायर हुए, उनकी ये तीन बच्चियां हैं और उनकी धर्मपत्नी है। जिस दिन अजय के घर मदद के लिए पहुंचे थे, सांत्वना देने के लिए विधायक बलराज कुंडू पहुंचे थे, उसी दिन धर्म बहन का रिश्ता इनका बना था और आज राखी बंधवाने के लिए पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़े आयोजन रक्षाबंधन पे कुंडू साहब करते थे, नेता जो है वो वायदे करके भूल जाते हैं। क्यों ऐसा दिल से निभाने की कोशिश करते हैं आप? चुनाव भी नहीं लड़ना यहाँ से, फिर भी देखिए ये वादा नहीं है, ये एक बंधन है और भाई बहन से पवित्र कोई भी रिश्ता मैं नहीं मानता होता है। और मैं जितना जानता हूं, जितना मैंने अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना है, धर्म का रिश्ता सगे रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है। और यहाँ जब अजय की इस आंदोलन में शहादत हुई और जब आगे में इस परिवार को मैंने देखा कि तीन छोटी छोटी नन्ही परी गुड़िया, और जिस प्रकार से इस भगवान ने भी परिवार के साथ मैं कहूंगा अन्याय किया कि 6 महीने पहले बड़ा भाई था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ होगी, फिर उसके बाद अजय का जाना और ये बूढ़े माँ बाप के ऊपर और इन बच्चों में परिवार पे एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़, और जिस प्रकार से आके मैंने यहाँ देखा तो मेरे अंतरात्मा जो है ना वो बिल्कुल हिल गई। तो मैंने अंतरात्मा से मेरी आवाज आई कि आज इस परिवार को, इस बहन को एक सहारे की जरूरत है। तो मैंने एक भाई के रूप में उस दिन इसको धर्म बहन बनाकर वादा किया था कि देखो अजय को तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन आपको और आपके परिवार को, इन गुड़ियाओं, इन बच्चों को भविष्य में इनकी पढ़ाई लिखाई और उसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, आपका भाई बनकर मैं जो है ना आपके साथ खड़ूंगा, इन बच्चों के भविष्य में कोई तकलीफ नहीं आएगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ। और उसी संबंध में आज मेरे पास फोन आ रहे थे रक्षाबंधन के, उसमें तो मैंने कहा था मैं खुद आऊंगा राखी बंधवाने के लिए, और आज उसी उसमें मैं आज राखी बंधवाने आया हूँ और अपनी इस बहन को और इन बूढ़े जो अजय के माँ बाप हैं अंकल आंटी को मैं ये तसल्ली देने कि चिंता मत करो, आपका एक बेटा और इस बहन का भाई आपके साथ पूरी उससे खड़ा है, इसमें कोई नेतागिरी या वादे की बात नहीं है, ये एक दिल का बंधन और रिश्ता है भाई बहन का, उसको मैं पूरी तरह निभाऊंगा। वो सब तारे तो जुड़ती किसान आंदोलन से ही, क्योंकि किसान आंदोलन में आप लगातार प्रयास कर रहे थे, आपने कहा कि परमात्मा जब तक ताकत देगा इन बच्चों की फीस भरेंगे, इस घर की मदद करेंगे और इन जैसे जितने भी हैं पूरे प्रदेश में सबकी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने रोकने का प्रयास किया, बहुत जगह ऐसे काम हुए, छापे लगे, वो रिकॉर्ड आपका छीन लिया गया। क्या है रिकॉर्ड वो इतनी बच्चियों की जो फीस आप भरते थे, इतने लोगों की मदद करते थे? देखिए सरकार अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, और जब तक परमात्मा की कृपा है, महाकाल का भगत हूँ मैं, उस महाकाल की कृपा है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो भगवान से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सोच को और नियत को भगवान इसी प्रकार से रखे और अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। मैं अपना काम इसी मस्ती से करूंगा, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने, ना कोई रोक सकता है मुझे, और जो मुझे इस प्रकार की
कोई चीज नजर आती है कि हाँ मेरे मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो वहां बलराज कुंडू सदैव तैयार रहेगा। इसमें इन चीजों से मैं रुकने वाला, डरने वाला और घबराने वाला बिल्कुल नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? पति चला गया किसान आंदोलन, लेकिन उसी किसान आंदोलन की लौ जगाए रखने के लिए विधायक बलराज कुंडू आपके पास आए हैं। एक वो कहते हैं कि एक सूत्र आपने बांधा है और उसको निभा भी रहे हैं। हाँ जी, बस मेरे को इतनी खुशी मिल गई है कि अजय नहीं रहे तो मेरे भाई मिल गए हैं मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। प्रधान जी भी बैठे हैं बुटाना से, राजेंद्र कुंडू जी। कुंडू साहब नेता तो अपने एरिया में भी हैं, लेकिन बलराज कुंडू जो है वो मदद कर रहे हैं, इसको तो मदद कह सकते हैं सात समुद्र पार वाली, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाके मदद करना बहुत बड़ी। देखो जी भाई जी, बलराज भाई जो मदद करते हैं दिल से करते हैं, राजनीति की तरह नहीं करते। नेता तो बहुत होते हैं जिसमें हम भी आ जाते हैं तो थोड़े बहुत हर एक दो वादे करके जाता है कोई भी है, वो करके वहां तक सीमित है जहां तक वो उसकी अर्थी उठती है और घर तक आगे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता, ना कोई नेता किसी को पूछता। अगर भाई साहब दिल से मदद कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे वो इसी तरह मदद करते रहे और लोगों का इस तरह से हाल चाल जानते रहेंगे, तो अपने आप पता लग जाएगा कौन अच्छा नेता है कौन बुरा नेता है पब्लिक को। तो सबको आज आज हर चीज का आदमी बारीकी से देखता है, कोई भी नेता वादा करके आता है और यहाँ भी आते हैं, हमारे भी खूब नेता जो वादा करते हैं हर बार किसी न किसी दो को गोली देते हैं और वो गोली खिला के चले जाते हैं, दोबारा किसी को नहीं पूछते कौन क्या जी रहा क्या मर रहा, उनका फायदा होना चाहिए, उसका फायदा होने का अपना लाभ लेने के बाद कोई किसी को नहीं। मैं तो भाई से बड़े भाई से यही गुजारिश करूंगा इसी तरह लोगों की सेवा करता रहे और मालिक इसी तरह इनको धन की वर्षा करता रहे इन पे। क्या बात है, बस दो शब्द अजय की माँ से और पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है? बेटा चला गया था लेकिन एक बेटे से ही मजबूत दे दिया। बेटे से मजबूत मना, बेटे से तो बाज मिल गया, बस मना बेटा नू सोच ले, मना मेरे दो बेटे मिल गए, दो गए तो दो बेटे मिल गए मैंने, बस और मैं कुछ नहीं चाहिए, मना मेरा बेटे का आशीर्वाद चाहिए बस।